अस्सलाम वालेकुम। ये कल मैच हुआ पेशावर और क्वेटा का, मैंने कहा था कि पेशावर जलमी में जीत जाएगा और माशाल्लाह से पेशावर जलमी में जीत गई। और जो है ना, क्वेटा ने 190 रन बनाए थे, उसमें जो है ना विल स्मिथ और अहसन अली ने जो है ना 97 और 93 रन बनाए थे। तब बनाए थे जब उनके तीन दो दो कैच जो है ना ड्रॉप हो गए। कल पेशावर की जो है ना फील्डिंग बड़ी ख़राब किस्म की थी, और वो जो उन्होंने सुहेल खान, उसको पता नहीं उसको क्यों उन्होंने टीम में रखा हुआ है। और हर बार जो है ना वो स्लो करता है, हर बार जब आप स्लो करते हैं तो वो चिंजा पेस नहीं होता, वो स्लो बॉलिंग होती है, सही है ना। लेकिन पेशावर ने वो टारगेट चेज़ किया, तलत हुसैन ने 52 रन बनाए, शुएब मलिक ने बड़ा अच्छा खेला, सब ने बहुत अच्छी बैटिंग की और पेशावर जो है ना 5 विकेटों से जीत गया। और आज जो अभी मैच है वो है मुल्तान सुल्तान और लाहौर का। मेरे ख्याल में मेरी प्रिडिक्शन है कि इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान में जीत जाएगा। उसकी रीज़न ये है ना कि उसके पास जो माशाल्लाह रिजवान है, तो जिस तरह वो खेलता है वो अकेले ही मैच जीत जाता है। अगर आप लाहौर की टीम देंगे ना ऑन पेपर, तो ये तो बड़े अच्छे है, मतलब शाहीन भी है, फ़ख्र भी है, राशिद खान, मोहम्मद हफीज़, हारिस रऊफ, डेविड वीज़ा, बैंक डंक, वो गंजा वो भी है। लेकिन जब ये खेलते हैं ना तो फिर ये टॉस हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा। दूसरा जो मैच है वह है कराची का और क्वेटा का, उसमें मुझे लगता है कि आज जो है ना बाबर आजम कुछ करेगा और जो है वो टीम कराची इंशाल्लाह जो है ना वो दूसरा मैच जीत जाएगी। मेरी प्रेडिक्शन है।